खबर रामपुर से। रामपुर में पत्रकार से मारपीट करने में 4 निलंबित। नशेड़ी गालीबाज TZ2 SSO और 2 लाइनमैन पर बिजली विभाग ने की कार्रवाई। रामपुर में नशेड़ी गालीबाज TZ2 द्वारा पावर सब स्टेशन पर हंगामा बरपाया गया था। TZ2 ने इस दौरान पत्रकार के साथ गाली गलौज और मारपीट की थी, जिससे पत्रकार गंभीर रूप से घायल हो गया था। इस मामले में विद्युत विभाग ने कड़ा एक्शन लेते हुए नशेड़ी गालीबाज TZ2 SO और 2 लाइनमैन पर निलंबन की कार्रवाई की है। पत्रकारों के संगठन ने इस मामले में रोष व्यक्त किया था। उन्होंने ये संस्तुति दिए कि उसको सस्पेंड करने की संस्तुति हो चुकी और एक्शन साहब आएंगे तो पूरा उसको लेटर वगैरह दे आपको। जिस तरीके से आपके ऊपर हमला किया है बिजली विभाग के कर्मचारी ने, तो अब जिस तरीके से कार्रवाई हो रही है, क्या आप संतुष्ट हैं? नहीं, जब पूरी तरीके से संतुष्ट जब होंगे जब लेटर आउट होगा यहाँ से। लेटर आउट होगा जब। वर्तमान की स्थिति क्या है, कार्रवाई कहाँ तक पहुँची? वर्तमान को जो आश्वासन दिया उन्होंने कि हमने सस्पेंड कर दिया। ऐसा है, हम संतुष्ट हैं। इसलिए संतुष्ट हैं क्योंकि जो अधिकारी हैं उन्होंने अपना वर्जन दिया है कि हमने कार्रवाई के लिए पूरा संस्तुत। उसी के खिलाफ नहीं बल्कि 3 और लोग हैं, 2 पेट्रोलमैन हैं, 1 SSO है, उनके खिलाफ भी, क्योंकि जो जिसने वहाँ पे हंगामा खड़ा किया, एक तो वो ड्रंकन था, दूसरी बात वो आउट ऑफ ड्यूटी वहाँ मौजूद था, जो कि उसकी मौजूदगी जाहिर करती है कि वो अनैतिक कार्य कर रहा था वहाँ पर। यानी कि उसने जो सब स्टेशन है उसको शराब का अड्डा बना रखा था, बगैर ड्यूटी के वहाँ पर वो मौजूद था। तो इसलिए जो दूसरों की जिम्मेदारी बनती थी उसे वहाँ से हटाना या फिर वरिष्ठ अधिकारियों को सूचित करना, उसने और लोगों ने ये भी नहीं किया। यानी उसी के अनैतिक कार्य में वो शामिल नज़र आते हैं प्रथम दृष्टया। तो प्राइम एफेसी जो है विभाग ने उनके खिलाफ संस्तुति कर दी है, 4 लोगों के खिलाफ निलंबन की कार्रवाई। अच्छा, जिस तरीके से वीडियो वायरल हो रही है और उसमें कुछ शराबी की भूमिका दिखाई दे रही है, तो क्या पुलिस ने जो कार्रवाई की है उससे संतुष्ट हैं? नहीं, वो पुलिस की अभी ऐसा है, वरिष्ठ अधिकारियों से बात होगी इस बारे में, और वो सामने से सीधा सा दिख रहा है कि वो ड्रंकन है और हैवी ड्रिंकिंग की कर रखी है उसने, बावजूद उसके शांति भंग में चालान कर देने का मतलब मारपीट की, अगले पे असाल्ट है, उसे जो हेड पर असाल्ट है, कान काटा गया है, तो ये तो गंभीर धाराओं में होना चाहिए था, शांति भंग थोड़ी है। और हमारे संज्ञान में ये भी आया है कि इससे पहले भी वो जो यहाँ के पूर्व एक्सियन थे उनका ट्रांसफर हुआ है, इससे वो खुश था। दरअसल वो तंबाकू का नशा करता है प्लस ड्रिंकिंग करता है, और जो पूर्व एक्सियन यहाँ रह चुके हैं विष्णु कुमार जी, उनका यहाँ पर बड़ी पाबंदी थी इस बात पर कि यहाँ पर कोई भी गुटखा खाकर पान तंबाकू खाकर नहीं इधर उधर करेगा, और ड्यूटी टाइम पर कोई अगर होता है तो उस पर कार्रवाई की जाती थी। इससे लेकर जब उनका जब यहाँ से ट्रांसफ़र हुआ है तो वो बहुत खुश था और वो इसको एंजॉय करने के लिए ही वहाँ पर मौजूद था, और एंजॉय की स्थिति में ही उसने अभद्रता की, बदतमीजी की और जानलेवा हमला कर दिया हमारे पत्रकार साथी पर, ये भी हमारे संज्ञान में। अच्छा, जिस तरीके से फहीम जी मान्यता प्राप्त पत्रकार हैं और हम देख रहे हैं सोशल मीडिया पर लगातार वीडियो ट्रेंड कर रही है, और जो दूसरे संगठन हैं वो लोग कह रहे हैं, आने को कह रहे हैं, तो उन लोगों से क्या कहेंगे? नहीं, हम संगठन के लोग मौजूद हैं, प्रेस फाउंडेशन ऑफ इंडिया का मैं जिला अध्यक्ष हूँ, मेरे सारी टीम मौजूद है, कोर टीम मौजूद है, और हम इसका विरोध करते हैं, कड़े शब्दों में निंदा करते हैं, और इसके लिए जहाँ तक भी। रामपुर से अशोक शर्मा की रिपोर्ट, जन कल्याण न्यूज़।